हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित। तो आज की इस न्यू वीडियो में गाइस बताने वाला हूँ कि पेनियर डिस्ट्रीब्यूटर में एक अपडेट आया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। वो क्या है वो मैं आज आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा वॉच करना, तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे पेनियर डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन आपने जब अपडेट की है, अगर अपडेट की है तो यहाँ पर एक बढ़िया प्रॉब्लम आ चुका है। मतलब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आई है, वो क्या है वो दिखाना। मतलब यहाँ पे देखिए, मैं पेनियर डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन है वो अपडेट किया था, तो यहाँ पे मेरा जो एयर रिटेलर वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे क्लोज हो चुका है। देखिए देखिए, पहले यहाँ पे मेरे पास एयर रिटेलर और एयर डीओ केवाईसी का ऑप्शन था, लेकिन अभी नहीं है, चला गया। तो वो क्यों चला गया गाइस, आपको है चला गया है तो मुझे बताना गाइस। तो गाइस देखिए, सिंपल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे रिटेलर लिस्ट LMS, मतलब यहाँ पे और दो ऑप्शन थे वो चले गए, एयर रिटेलर और डी ओ के वाई सी। मतलब दो ऑप्शन चले गए, पहले मेरे में था, मैंने यहाँ पे इससे मैं रिटेलर भी बना रहा था, लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो दो तीन दिन पहले ही यहाँ पे हट चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं। तो वो क्यों हुआ उसके प्रॉब्लम में आप बताने वाला हो। तो आप क्या करते हो, किसी के KYC करते हो, किसी एयर रिटेलर बनाते हो, तो उसको यहाँ पे वो बंदा है वो यहाँ पे यूज़ नहीं करता वगैरह, यहाँ पे आईडी बना के यहाँ पे आईडी वो यूज़ नहीं करता, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। हाँ गाइस, तब ऐसा प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे आपको या कोई एयर कोई रिटेलर आईडी बनाई हो, और यहाँ पे KYC आपने नहीं किए, KYC करनी बाकी है, और आप उसमें काम नहीं कर पा रहे, तो भी ऐसा हो सकता है। तो गाइस आपको पता चल गया होगा कि आपके पास जब रिटेलर आईडी बनाते हो तो यहाँ पे जो रिटेलर है वो यहाँ पे अच्छे से काम नहीं करते, रिटेलर लॉगिन आईडी लॉगिन वगैरह नहीं करते, तो ये सब प्रॉब्लम आती है। तो सिंपल इसके लिए आपको यहाँ पे इसी वजह से आपको यहाँ पे दो ऑप्शन है वो यहाँ पे गायब हो चुके हैं, मतलब दो ऑप्शन क्लोज हो चुके हैं गाइस। तो गाइस आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे एयर रिटेलर KYC वाला ऑप्शन क्यों चला गया है। तो इसी वजह से इसीलिए यहाँ पे दो ऑप्शन चला गया है गाइस। तो गाइस यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, अगर आपको यहाँ पे ये दो ऑप्शन आपको फिर से लाना है तो आपको यहाँ पे चल जाना है। क्या है, देखिए आपको थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, इसके बाद यहाँ पे सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ पे सेल मैनेजर, यहाँ पे सेल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर आ जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, सेल मैनेजर वाले ऑप्शन पे जो नंबर इस वाले कॉन्टैक्ट वाले को यहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है, आपको ईमेल करना है। आप ईमेल या कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर बताना है कि मेरे पास ये दो ऑप्शन क्लोज हो चुके हैं और मुझे ज़रूरत है, तो मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन फिर से यहाँ पे सेटिंग करा दो, मतलब यहाँ पे ऑप्शन ला दो। तो सिंपली वो यहाँ पे कंपनी में मेल करेगा, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है वो वापस आ जाएगा। तो गाइस आपको पता चल गया कोई इतना काम करना है, तभी आप यहाँ पे कर सकते हो और दो ऑप्शन वापस ला सकते हो। तो गाइस सिंपली आपको पता चल गया कि आपको कैसे कॉन्टैक्ट करना है, किस डिस्ट्रीब्यूटर के कॉन्टैक्ट करना है, यहाँ पे सेल मैनेजर को कैसे कॉन्टैक्ट करना है और कैसे आपको बात करनी है, वो सब बता दिया है। तो आप ऐसे करके कॉन्टैक्ट करके बोलना है ये सब, तो आपको यहाँ पे जो दो ऑप्शन है वो ऑप्शन वापस आ जाएगा गाइस। तो गाइस आपको सिंपली इतना ही करना रहेगा। तो यहाँ पर आपको वीडियो भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर लेना, और चैनल को भी सब्सक्राइब।